भोपाल के लालघाटी चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हुए। ये सभी लोग भोपाल में बढ़ रहे हुक्का बार का विरोध कर रहे थे। आज के समय में युवा पीढ़ी द्वारा हुक्के को स्टेटस सिंबल की तरह देखा जा रहा है, जो कि न सिर्फ समाज बल्कि युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। भोपाल में तेजी से बढ़ रहे हुक्का बार और भोपाल के युवाओं में हुक्के की बढ़ती हुई लत को देखते हुए आनंद सबदाणी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा हुक्के के खिलाफ मुहिम चलाई गई। आनंद सबदाणी की इस मुहिम के तहत शहरवासियों की मदद से शुक्रवार को लालघाटी चौराहे पर एकत्रित होकर न सिर्फ हुक्के को अंतिम विदाई दी गई, बल्कि नुक्कड़ के माध्यम से नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें कई सामाजिक संस्थाओं ने अपना योगदान दिया है। ये स्टेटस सिंबल है, अगर हम कहीं ना कहीं हुक्का पी रहे हैं तो हमारे लिए अच्छी बात है। 50 रुपए का हुक्का 400-500 रुपए में बिक रहा है, क्योंकि लोगों को जगह मिल रही है बैठने की, लड़कों के साथ लड़कियों के साथ। कहीं ना कहीं ये हुक्का पीने के बाद लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, और जो हरकतें हो रही हैं आजकल बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है हुक्का का भी या नशे का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है।